तो चुनाव के समय जनप्रतिनिधि जनता को अपने पक्ष में वोट के लिए वादे तो बहुत करते हैं, लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद जनप्रतिनिधि जनता से किया वादा भूल जाते हैं और अपने क्षेत्र से नदारद रहते हैं। एक ओर जहां कोरोना काल में हर कोई अपने जनप्रतिनिधि की मदद की आस लगाकर बैठे हैं, लेकिन जनता की मदद के लिए विधायक अपने क्षेत्र की जनता के लिए किस तरह से कार्य कर रहे हैं, उसी को लेकर हमारी टीम ने कानपुर के कल्याणपुर विधानसभा के बीजेपी विधायक और राज्य मंत्री नीलिमा कटियार का रियलिटी चेक किया और विधायक नीलिमा कटियार से बात की। तो विधायक जी ने काम के दावों के पुल बांध दिए और कहा कि अपनी विधानसभा में लोगों को ऑक्सीजन मेडिकल सुविधा के लिए मदद की और कॉल सेंटर खोलकर मदद करने की। उन्होंने बताया कि जो लोग उनके कॉल सेंटर में फोन कर मदद मांगते थे उनके बीच पहुंचकर मदद की है, साथ ही जरूरतमंद लोगों को रहने की भी व्यवस्था कराई गई है। हम उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त नीलिमा कटियार के आवास के बाहर खड़े हुए हैं, जिनकी विधानसभा कल्याणपुर विधानसभा लगती है। उन्होंने अपने जन कोरोना काल जो काफ़ी खतरनाक थी, दूसरे जिसमें कई लोगों ने सैकड़ों लोगों का लाखों लोगों ने उसमें अपनी जान गंवाई है, ऐसे में उन्होंने अपनी विधानसभा में जनता के बीच में जाकर कितनी मदद करी है उनसे उनकी जवानी ही जानते हैं। इस वक्त हम उनके आवास के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और प्रवेश करने के बाद ही देखिए मैं उनके घर के अंदर आ चुका हूँ और सामने हमारे राज्य मंत्री जी वो सामने बैठी हुई हैं। मैं उनसे बात करता हूँ कि कोरोना काल में उन्होंने किस तरह से लोगों के बीच में जा करके मदद करी है, किसी को खाने की व्यवस्था, किसी को स्वास्थ्य की व्यवस्था, हर एक मदद करी है। तो उसके बारे में उन्हीं की वो जमाई जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से लोगों की मदद करी। मैम आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। कोरोना का जो दूसरी वेव थी काफ़ी खतरनाक थी, ऐसे में आप लोगों ने जनता के बीच में रहकर के किस तरह का कार्य किया है और कैसे उनको मदद करी है? देखिए बड़ा कठिन समय था और एकदम से जिस प्रकार से सेकेंड वेव आई और जितनी इंटेंसिटी के साथ आई, तो एकदम से बहुत सारी जो मेडिकल सुविधाएं थी उनकी आवश्यकता बहुत तेज़ी से पड़ी। बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन की एकदम से आवश्यकता सिलेंडर की पड़ी और बहुत से लोगों को बेड्स की आवश्यकता पड़ी, बहुत से लोगों को मेडिकल कंसल्टेंसी की आवश्यकता पड़ी। बहुत से लोगों को ऐसा हो रहा था कि अब उससे निकल करके आ गए हैं, अब उनके सामने बहुत सारे सवाल थे, तो उन सवालों के जवाबों के क्रम में उनकी आवश्यकता थी। इधर तेज़ी से क्योंकि समय बीत रहा था, जो हमारे निम्न आय वर्ग के बंधु और बहनें हैं वो परिवार वो संकट में आने लगे थे, तो उनको भी तरह तरह की प्रॉब्लम्स आ रही थी। जिन परिवारों में लगातार वो दवाइयों का सेवन प्रतिमाह कर रहे थे, उन दवाइयों का रेगुलर जो रूटीन थे लोगों के वो बाधित हो रहे थे। बहुत से परिवारों में राशन की समस्या आ रही थी, राशन कार्ड अगर नहीं बने हैं, कुछ ऐसे परिवार हैं तो वो जल्दी से कैसे बने। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से राशन केंद्रों पर राशन मिलने की जैसे ही ये व्यवस्था सुनिश्चित हुई है, उसके बाद व्यवस्थित राशन उन्हें कैसे वहाँ से सुविधाजनक मिलने लगे, इन सारी चीज़ों के साथ साथ जिस भी प्रकार की आवश्यकता, क्योंकि आपदा के समय में किसको किस प्रकार की आवश्यकता पड़ेगी, मेरे दो नंबर थे, वो दोनों नंबर पूरे टाइम मैंने 17-18 घंटे, कभी 2 बजे कभी 5 बजे, किसी क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी का कोई हम टाइम स्लॉट तय नहीं कर सकते, और इस प्रकार की किसी के भी सामने परिस्थिति आई है तो मदद करने का प्रयास हुआ है। ये थे राज्य मंत्री नीलिमा कटियार जी। उन्होंने साफ तौर बताया कि जो कोरोना की जो वेव सेकेंड वेव थी जो खतरनाक थी, उसमें उन्होंने किस तरह लोगों को मदद करी। इसके साथ जो थर्ड वेव कहीं ना कहीं संभावित है उसको लेकर के हेल्थ में बच्चों के लिए बेड की व्यवस्था की है, साथ ही अपनी निधि से भी 50 लाख रुपये की मदद उछला में करी जहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट लग सके और लोगों को जितने ज़्यादा मदद हो वो करे। इन्होंने अपने विधानसभा के साथ ही अन्य विधानसभाओं में जा करके भी जिसको मदद पड़े, चाहे राशन जरूरत पड़ी हो, चाहे मेडिसिन से जुड़ी मदद हो या फिर ऑक्सीजन की, सबकी मदद करी है और खुल करके वो जनता के बीच में रही। अपने दोनों नंबरों को परमानेंट चालू रखा है, अगर कोई मदद मांगता है तो उनकी मदद के लिए पहुँचती हैं। तो बीजेपी विधायक और राज्य मंत्री नीलिमा कटियार के दावों में कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए न्यूज़ वन इंडिया के नेक्षेत्र के लोगों से बात की है, जो जनता ने विधायक जी के दावों की पोल खोल दी है। जनता ने न्यूज़ वन इंडिया से बताया कि विधायक नीलिमा चुनाव के बाद से आए ही नहीं हैं। जनता ने ये तक कह दिया कि हम तो भूल भी गए हैं कि हमारे विधायक कौन है। विधानसभा
की विधायिका व उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री नीलिमा कटियार ने बड़े बड़े दावे किए। उन्होंने बताया है कि कोरोना काल में उन्होंने किस तरह जनता के बीच में जाकर उनकी सेवा की है, राशन बांटा है, यहाँ तक कि उनकी जो भी समस्याएं थी उनकी समस्या समाधान किया है। आखिर उन्होंने कितनी मदद करी है, उनके दावे कितने सही हैं, उसको जानने के लिए इस वक्त जनता के बीच में आए हुए हैं। जनता से ही पूछते हैं कि जो उन्होंने दावे किए वो कहाँ तक सही हैं। अब बात करते हैं, हमारे साथ में कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, महिलाएं भी मौजूद हैं, पुरुष मौजूद, सभी से हम बात करते हैं और जानकारी करते हैं कि जो दावा विधायिका ने किया है वो कितने सही हैं। वो यहाँ पर कितना आप लोगों के बीच में आई हैं और कितनी मदद करी आप लोगों की? कभी नहीं आई। कब से नहीं आई यहाँ? जब से जीती हैं, जीतने के पहले एक मरतबा आई थी। कोरोना में जो उन्होंने कहा कि मदद करी, यहाँ लोगों राशन करवाया, इस तरह का कुछ? कुछ नहीं। आप लोगों ने कभी उनसे कहा किसी बात के लिए? यहाँ का कोई व्यक्ति जानता नहीं यहाँ विधायक है कौन, जब सब कभी दिखाने अपनी शक्ल दिखाई नहीं। समस्या है यहाँ पर? अरे नाली है, हैंडपाइप की समस्या है, हैंडपाइप में गंदा गंदा पानी निकलता है, कचरा वो सड़ रहा है, सुलभ एक बना हुआ है सरकारी, वो भी भरा हुआ गंदा रहा है। कब से यहाँ नहीं है आप लोगों के बीच में, क्या समस्या? आते हैं जब वो बिहारी त्यौहार पड़ता तब आते हैं, इसके पहले कभी नहीं आते हैं। कुछ मदद करने के लिए? कुछ नहीं। राशन वगैरह? कभी नहीं। चलिए, जैसा कि आपने सुना बताया, इसके साथ ही कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं कि आखिर विधायक को लेकर के उनके मन में क्या है, उन्होंने जनता के लिए कितनी सेवा करी। ये बताइए, विधायिका यहाँ पर आई है कि अभी? जब जीते थे तब आई थी, तब से आई नहीं है। समस्याएं आप लोगों की? नाले नहीं साफ होते, लेटिंग नहीं साफ होती है। तो कोरोना देखिए, वो तो कह रही कोरोना भी आया था, यहाँ राशन वासन बांटा था? कुछ नहीं बांटा है। कुछ नहीं बांटा है, क्या कहेंगे आप? यही कहेंगे कि झूठ बोलती है, हमें कभी आई नहीं कोरोना काल में, नहीं ना कभी आई, नहीं कभी भी नहीं आई किसी ना, कोई समस्या ऐसा आई नहीं। जब वोट लेने आई थी तब आई थी, तब से यहाँ कभी आई नहीं। चलिए और भी हमारे साथ उनसे बात करते हैं। तो यहाँ पर आती कि नहीं आती? कभी नहीं आती। कभी आप लोगों ने उनकी समस्याओं को लेकर उनके पास गई हैं? गए तो हैं मगर आती ही नहीं, नहीं। जब होते छठ पूजा तब आती है, यहाँ भी दुख की मट्टी जलती है, यहाँ गंदगी खूब मचती है, फिर भी नहीं आते हैं। हम लोग हजारों अप्लीकेशन दिया फिर भी नहीं कोई सुनवाई है। यहाँ से जीते हैं नहीं, सरकारी सुलभ बना वो भी गंदाता है, छोटे छोटे बच्चे हैं सब कीटाणु मचते हैं, तब भी नहीं कोई नहीं। चलिए, विधायिका को छोड़िए, ये जो पार्षद हैं अभी जीते हैं वो कभी नहीं आते, मनोज पांडे भी दो तीन बार कहा गया फिर भी नहीं आए, कोई भी नहीं आता है। आज कई साल से जो लैटरिंग बंद पड़ी है, बस बजा रही है, देखे जा करके। तो आपने देखा कि किस तरह से, जिस तरह नीलिमा कटियार जो यहाँ की कल्याणपुर विधानसभा की जो विधायक हैं, नीलिमा कटियार उत्तर प्रदेश में मंत्री पद पर हैं, लेकिन उन्होंने चुनाव जीतने के बाद यहाँ की जनता का कहना है कि यहाँ पर कभी ना वो देखने आई हैं, कोरोना काल का इतनी बड़ी लहर थी इसमें कई लोगों ने जान गंवाई है, लेकिन उसके बाद भी कभी भी जनता के बीच में नहीं है, ना ही उनका हालचाल लिया। जबकि उनसे बात की गई तो उन्होंने बहुत दावे किए कि विधायक निधि से पैसा खर्चा किया है, मेडिकल की व्यवस्थाएं की हैं, ऑक्सीजन दिया, लेकिन उनके सभी दावों की पोल यहाँ की जनता खोल रही है। वो साफ तौर बता रही कि वो कभी जनता के बीच में नहीं आती है, यदि कोई समस्या लेकर उनके पास गया है तो सिर्फ आश्वासन दिया है कि यहाँ करेंगे, और कई लोगों को तो ये भी जवाब दिया है कि यहाँ तो वो चुनाव ही नहीं जीती हैं। कानपुर से रामजी शर्मा, न्यूज़ वन इंडिया। तो जनता की राय जानने के बाद न्यूज़ वन इंडिया की रियलिटी चेक में बीजेपी विधायक और राज्य मंत्री नीलिमा कटियार फेल साबित हुई हैं। एक तरफ नीलिमा कटियार, जिन्होंने कई सारी बातें बोली, बड़े बड़े दावे और वादे बताए, अपने जो काम किए हुए थे वो गिनाए, लेकिन उसके बाद जब स्थानीय लोगों से हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने इस पर उनकी पोल खोलती दिखाई दी है।